न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान की मौत के बाद गुरुवार को भाकियू के किसानों ने रेवाड़ी झज्जर मार्ग को 2 घंटे तक जाम करने की चेतावनी दी, लेकिन उससे पूर्व सुबह सवेरे भाकियू के जिलाध्यक्ष समय सिंह को रेवाड़ी में उनके घर पहुंची पुलिस ने हिरासत में ले लिया ताकि रोड जाम से आमजन को असुविधा ना हो। पुलिस प्रशासन की इस कार्यवाही को भाकियों ने अनुचित बताया और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार ने किसानों के प्रति अपना इस प्रकार का रवैया नहीं छोड़ा तो वो शांत नहीं बैठेंगे और इस आंदोलन को उग्र करने पर विवश होंगे। भाकियों के जिलाध्यक्ष समय सिंह व अन्य किसान नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है लेकिन उनकी जायज मांगों को नहीं मानना चाहती। उन्होंने कहा कि अभी भी जिला रेवाड़ी में बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें जाजरे की फसल का भावांतर तक नहीं मिला है। एमएसपी मिलना तो की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार या तो किसानों की जायज मांगों को माने और किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास ना करे, अन्यथा इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। जो आज जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसका एक ही कारण है कि इस बीजेपी सरकार ने जो किसान मजदूरों के साथ सभी सीमा पार कर दिए। ऐसा काम तो आजादी के टाइम में नहीं हुआ। किसान को अपनी आवाज़ उठाने का ये मौका तक नहीं देती, ये लेती है धरपकड़ कर देती है। हमारी टीम को 2-3 दिन पहले भी सारी को गंगाचा टोल पर थे हिरासत में लेकर सदर थाना तक ले आया। कल सवेरे सवेरे मेरे घर के पास इतनी भारी गाड़ियों का काफिला ले जाकर पुलिस प्रशासन खड़ा होगा। भयभीत टाइप से गाँव वाले को, मजदूरों को, बच्चों को इन्होंने तंग किया, उसके बाद सदर थाना में ले आया। जो हमारी टीम को जैसे ही पता चला वो गंगाचा टूल पर पहुंची तो वहाँ भी बहुत भारी पुलिस का पहरा था। जो ये कॉल थी ये हमारे राष्ट्रीय टीम की कॉल थी, ऊपर की थी। इस सरकार को या तो किसानों की बात मान लेनी चाहिए या किसानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अब भारतीय किसान चढ़ूनी एक आर पार के मूड के माए है। आज हमारी कोर कमेटी की कुरुक्षेत्र में मीटिंग है तो मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कि जो अपना पंजाब में जो भाई मरिया है, किसान शहीद हुआ है, पुलिस ने उस पर नियत थे कि बॉर्डर क्रॉस करके गोली मारी है, ये बहुत ही निर्दयनीय का काम है। और आने वाले टाइम में इस इलाके को कोई भी जगाना चाहता हूँ और इस प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इन्होंने हमेशा किसानों के साथ धोखा किया था। जब 13.5 महीना तक हम दिल्ली बैठे हुए थे तो मोदी जी ने आए के माफ़ी मांगी और किसानों से कहा कि हमें कमेटी बनाए के आपको स्वामीनाथन का आयोग वह एमएसपी देंगे। एमएसपी कहाँ देती है? हम अहिरवाड़ में रहते हैं, यहाँ पर मुख्य फसल बाजरा और सिरसों है, लेकिन किसानों का भुड़ा के और बहका के 2200 रुपये में बाजरा खरीद लिया, 300 आज तक भावंतर का पैसा नहीं दिया। अगर हम सोमवार को डीसी साहब से मिलेंगे, अगर भावंतर का पैसा नहीं दिया, सिरसु की सिस्टम से खरीद नहीं हुई तो हम भी हो ही हैं और ये प्रशासन भी हो ही है, सरकार भी हो ही है, ताड़ा हमेशा जेब में लगते हैं। इसीलिए हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अब हम आर पार की लड़ाई में हैं और जो किसान शहीद हुआ है उसको कम से कम 2 करोड़ मुआवजा और 1 सरकारी नौकरी दो। और अब ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में जगेगा। क्या दिल्ली इनके बाप की है? हम दिल्ली नहीं जा सकते। रोड रोक किसने रखा है? प्रशासन रखा है। हमारे इलाके में भावना भर दी गई है, हमारे इलाके में ऐसी बू मार दी कि वहाँ किसान नहीं बैठे। अरे किसान नहीं बैठे तो क्या वहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं? तो इन किसान भाइयों को भी जागना चाहिए। इसीलिए आप साथी यहाँ आए, आपका बहुत धन्यवाद। भाई को जो शहीद हुआ है चाहे वो कहीं का भी, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ किसान यूनियन रेवाड़ी चढ़ूनी की तरफ से। मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कड़े शब्दों में कि अपने हरकतों से बाज आए। कल हमारा प्रोग्राम था, उससे पहले हमारे प्रधान समय सिंह को इन लोगों ने इनके घर से उठा लिया। ये सरकार का, प्रशासन का बहुत निंदनीय कार्य है। सरकार या तो अपने हरकतों से बाज आए या इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार ये कह रही है कि हम आपकी फसल MSP पे खरीदते हैं, आपको भावांतर देंगे, जबकि मैं ये कहता हूँ कि बाजरे के पैसे 98 किसानों के तो आज तक डले नहीं उनके अकाउंट। भावांतर तो बहुत बात की बात है, 98 किसान ऐसे रह रहे हैं जिनके पैसे नहीं डले हैं। ये सरकार इन लोगों को गुमराह कर रही है। ये गरीबों के हक की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों के हक की सरकार है।
इसको आने वाले इलेक्शन के टाइम में भैरवाड़ की जनता इनको इनका अपना खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर भैरवाड़ के अंदर खासकर छोटी जोत के किसान हैं, ये लोग बटाई पे लेके बोते हैं, ये लोग करते हैं कि भाई तुम लोग ऑनलाइन करवाओ हम भावांतर देंगे, जबकि ये जिसकी फसल बटाई पे लेते हैं वो आग लग तो खुद ही ऑनलाइन करवा लेता है। तो जो आदमी वहाँ पे जोत करता है वो क्या करेगा, अपनी फसल को कहाँ पे बेचेगा। तो ये लोग इससे बढ़िया तो MSP की गारंटी दे, ये लड़ाई किसानों की MSP की गारंटी है। अगर आपने MSP किसी फसल की 5,000 कर दी तो वो कहीं भी बेचे बगैर ऑनलाइन को उसको 5,000 बेचे। तो मैं आखिर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सरकार से कड़े शब्दों में चेतावनी देता हूँ कि वह तो अपना रवैया सुधारे, बार बार किसानों को परेशान नहीं करे। अभी 16 तारीख को हमारे प्रधान जी कोई चोर लुट के उचे के उग्रवादी थोड़ी है, इनको 16 तारीख को उठा लिया सुबह सुबह। अभी कल हमारे एक प्रोग्राम था उसमें सुबह इनको 6 बजे इनके घर से उठा लिया, ये तो इनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, इसका इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात तसल्ली से सुनी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वॉइस। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।